अब बच्चे जब भी बिल रिटायर किया जाता है उसकी एंट्री होती है जर्नल एंट्री, वो हमने किस किस की बुक्स में लिखी है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बोथ द पार्टीज में आएगी, ठीक है। तो जब भी बिल के ऊपर, यहाँ पे देखो ड्रॉअर ने क्या करना है, बिल के ऊपर ड्रॉअर को सॉरी पेमेंट मिलेगी, किससे मिलेगी, ड्रॉई से। यहाँ ड्रॉअर ए है और ड्रॉई बी है, अगर पेमेंट मिलती है तो एंट्री क्या होती है, अब सिंपल आपको पता है ड्रॉई ने क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश किसके पास आ जाएगा, ड्रॉअर के पास कैश आ जाएगा, ठीक है। टू बिल रिसीवेबल, ये आपको एंट्री पता है, जब क्या होता है, जब होल्डर ऑफ द बिल कौन है, ड्रॉअर है, एंड द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, ऑनर किया है बिल के ऊपर, पेमेंट आ गई। अब यहाँ बात आ जाती है कि बिल अगर 25,000 का था तो बिल के ऊपर कितना पेमेंट किया उसने, 675 रुपये डिस्काउंट दिया, ठीक है। उस डिस्काउंट को हम क्या लिखते हैं, रिबेट ऑन बिल, ठीक है, रिबेट ऑन बिल, या सिंपल आप रिबेट भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट 675, ठीक है। 675 पीछे हमने कैलकुलेट किया था ना, जो रिबेट हमने निकाली वो 675, तो 25,000 में से 675 निकाला, 325 आया ये, और ये आ गया 24,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा बींग अमाउंट रिसीव्ड या बींग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट अलाउड, ठीक है, और रिबेट अलाउ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिबेट है किसके लिए एक्सपेंस बन जाएगा, ड्रॉअर के लिए क्या बन जाएगा, वो एक खर्चा बन जाएगा, दैट इज वाई रिबेट हैज़ बीन डेबिटेड। अब यहाँ पे इसने क्या करना है, बिल पेएबल, इसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, जैसे आप वहाँ पेमेंट की एंट्री डालते थे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश कितना दिया उसने, 25,000 नहीं दिया, उसने दिया 24,375 रुपये, सॉरी 325 रुपये, और बिल था 25,000 का, तो ये बाकी जो बचा वो 675 उसको बेनिफिट हो गया, उसको गेन हो गया, दैट इज़ योर रिबेट ऑन बिल, ठीक है। तो आ जाएगा बींग कैश पेड बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट रिसीव्ड। आगे बच्चे बात समझ, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी रिबेट के रिलेटेड।